भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि पर रह करके जो लीलाएं की हैं, उन लीलाओं के कारण ब्रजभूमि का महत्व अनंतानंत गुना बढ़ गया। और इन सभी लीलाओं में भगवान की जो सबसे सुंदर लीला है, भगवान की जो सबसे प्यारी लीला है, उस लीला का नाम है रास लीला। श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंध के 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक के इन 5 अध्यायों में श्री वेद व्यास जी महाराज प्रभु की महारास लीला का पावन वर्णन करते हैं। भगवान ने रास लीला की गोपियों के साथ। शरद ऋतु की पावन बेला थी, बड़ी सुंदर बेला। वृंदावन में अनेक प्रकार के सुगंधित फूल खिले हुए थे, बड़े सुगंधित, गुलाब के, बेला के, चमेली के, रात रानी के, मोंगरा के, सुगंधित पुष्प चारों तरफ खिले हुए थे और अपनी सुगंध यहां वहां सब में बिखेर रहे थे। पूर्णिमा की रात्रि थी, शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा की पावन रात्रि और इस पावन समय में जब पूर्व दिशा में चंद्रमा 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप में आकर के अपनी शीतलता चारों तरफ बिखेर रहे थे, शीतल मंद सुगंध वायु का पावन वेग मंद मंद गति से प्रवाहित हो रहा था। हवा चल रही थी, हवा भी कैसी, कहा शीतल मंद सुगंध, शीतल ठंडी ठंडी, मंद धीमे धीमे सुगंध। चारों तरफ जो पुष्प लगे हैं उन पुष्पों की सुगंध वायु के साथ मिलकर के वायु को सुगंधित बना रही थी, तो शीतल मंद सुगंध वायु का पावन वेग प्रवाहित हो रहा था। और ऐसी सुंदर रात्रि में, ऐसी दिव्य रात्रि में, ऐसी मनमोहक रात्रि में, ऐसी रमणीक रात्रि में, रमणीय वातावरण में भगवान कृष्ण ने बांसुरी का वादन करना, बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। और जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया, श्रीमद् भागवत जी में वेद व्यास जी लिखते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोल कुंडलः। ऐसे सुंदर समय में, ऐसे पावन समय में, ऐसे रमणीक वातावरण में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना, बांसुरी का वादन करना प्रारंभ किया।
और जब भगवान ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया, बंसी वादन प्रारंभ किया, कृष्ण के बांसुरी से निकलने वाली बांसुरी के स्वर, बांसुरी की तान, बांसुरी की आवाज ब्रज की गोपिकाओं के कानों में जाकर के जब सुनाई देती है, तो गोपिकाएं अपने विभिन्न विभिन्न कार्यों में व्यस्त थी। कहा एक कोई गोपी थी जो गैया का दूध दोह रही थी, दूध लगा रही थी, लेकिन जैसे ही बांसुरी सुनी, दूध लगाना बंद करके दूध रखने वाला जो बर्तन है वो गाय के चार पैरों के बीच में ही छोड़ दिया और वैसे ही चल दी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यमुना के तट पर। कहा एक गोपी भोजन पका रही थी, रसोई बना रही थी, और जब रसोई बना रही थी तो उस समय रसोई बनाते बनाते अचानक कानों में जब बांसुरी की आवाज सुनाई दी, रसोई चूल्हे पे जो भी उसका भोजन रखा था, चावल दाल खीर पूड़ी सब्जी जो भी बना रही थी, वो बर्तन उसने चूल्हे के ऊपर ही रखा रहने दिया और उठ करके वैसे ही चल दी। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन परोस रही थी, भोजन परोसती है, अचानक जब बांसुरी सुनाई दी तो भोजन परसना बंद करके भोजन परोसना छोड़ दिया और उठ करके भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंचती है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी तो गहने पहन रही थी, गले में पहनने वाला हार पैर में पहना और पैर में पहनने वाली पायलों को बीच में से जोड़ के गले में पहन लिया, पायलों का हार बनाया। फिर एक गोपी, कहा एक गोपी तो ऐसी स्नान कर रही थी, लेकिन जब बांसुरी कानों में सुनाई पड़ती है तो स्नान करना छोड़ के उल्टे पुल्टे आधे अधूरे वस्त्र पहन के वैसे ही चल दी भगवान से मिलने। और एक गोपी का, एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में तो काजल लगा लिया, लेकिन इतने में सुन ली बांसुरी, तो बांसुरी सुनते ही बावरी हो गई। आंखों में काजल लगाना था, एक आंख में लगाया, दूसरी आंख में लगाना भूल गई, आंख की जगह सारे चेहरे पे काजल लगाया और वैसे ही चल दी। काजल चेहरे पे लगा है तो दूसरी गोपियां कहती हैं कि अरे गोपी, तू कृष्ण से मिलने के लिए ऐसे जाएगी अपने अपने चेहरे पे इतना सारा काजल लगा के? तूने अपना मुख शीशे में देखा या नहीं कि तू कैसी लग रही है? गोपी ने कहा मुझे पता है मैं कैसी लग रही हूं और मैं ऐसे ही जाऊंगी। गोपियां हंसती हैं, फिर तो कृष्ण तेरी तरफ देखेगा ही नहीं। तब गोपियों ने जब कहा कि कृष्ण तेरी ओर देखेगा भी नहीं, तो गोपी कहती है कि हमारा कृष्ण शरीर की सुंदरता तो देखते ही नहीं है, कृष्ण शरीर की सुंदरता नहीं मन की और भावों की पवित्रता को देखता है, कृष्ण भाव के भूखे हैं। मेरी ओर देखेंगे तुम सबसे ज्यादा, तुम देख लेना। तो दूसरी गोपियां कहती हैं हमने 16 श्रृंगार किया है, हमने सुंदर वस्त्र पहने हैं, हमने गजरा लगाया है, आंखों में काजल लगाया है, अधरों पे लाली लगाई है, हाथों में चूड़ियां पहनी है, पैरों में माहवर और लगा करके पायल धारण की है, कमर में करधन पहना है, हम 16 श्रृंगार करके सज धज के आ गई, उसके बाद भी कृष्ण तुम्हें देखेंगे? इसके चेहरे पे काजल लगा है बिल्कुल नहीं देखेंगे। गोपी ने कहा तुम देख लेना, कृष्ण मुझे देखेंगे। देखने का कारण, कहा देखने के दो कारण हैं। पहला देखने का कारण, कृष्ण मुझे इसलिए देखेंगे
क्योंकि कृष्ण शरीर की सुंदरता नहीं, कृष्ण मन की पवित्रता को देखते हैं। और देखने का दूसरा कारण कि कृष्ण भी काले हैं और मैं भी काली हूं, तो अपने रंग वाली को ज्यादा देखेंगे कृष्ण, ऐसी गोपी बोलती है। सारी गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, खूब सज धज के गोपियां आज धैर्य मर्यादा संकोच सब छोड़ छाड़ के भागते हुए यमुना के तट पर कृष्ण से मिलने के लिए चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। भागते 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 चली जा रही हैं। क्योंकि आज जब गोपियों ने बांसुरी के स्वर सुने तो गोपियों को केवल बंसुरी वादन सुनाई नहीं दिया, उन बांसुरी के स्वर में लिपटी हुई कृष्ण की धीमी धीमी आवाज गोपियों के कानों में आके मानो कहती है कि अरे गोपी, तू घर में बैठी बैठी क्या कर रही है, यमुना के तट पे मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। गोपियों ने ये सुना है, भागते हुए गोपिकाएं चली जा रही हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जा रही हैं। यमुना के किनारे कृष्ण खड़े होके गोपियों के आने का इंतजार कर रहे थे। और आज जब ब्रज की विभूतियों को, ब्रज की शक्तियों को एक साथ आते हुए देखा तो कृष्ण कहते हैं, स्वागतम भो महाभागा, प्रियम किम करवाणि चो, ब्रजस्यानामयम् कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। क्या कहते हैं कृष्ण, स्वागतम भो, स्वागतम भो, स्वागतम भो, हे गोपियों आओ आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रियम किम करवाणी चो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, बताओ प्रियम किम करवाणी चो। और फिर कृष्ण कहते हैं, थोड़ी देर के बाद तुम्हारे आने का क्या कारण है, किस लिए आई हो। भगवान ने कहा, अरे गोपी हो, इतनी रात्रि में तुम यहाँ अकेली घूम रही हो, जानती नहीं हो पतिव्रता स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, और पति की सेवा तो नहीं कर रही, यहाँ पर आ गई पराए पुरुष से मिलने। पतिव्रता का धर्म ये नहीं कहता, किस लिए आई हो। भगवान ने जब ऐसी बातें करना शुरू किया तो गोपियों को आया गुस्सा। गुस्सा किस बात का, मान लीजिए कोई आपका मित्र है या कोई रिश्तेदार है, उसके घर में 2 महीने के बाद कोई शादी है या कोई फंक्शन है, कोई उत्सव है, और उस उत्सव में वो आपको बुलाता है, आओ, आपने कहा ठीक आएंगे, फिर फोन करता है 8 बार, आना आना आना, फिर खुद कार्ड लेके आता है, आमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्र देता है, आ जाना। इतना बुलाने के बाद आप जाओगे कि नहीं जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे, जाओगे ना, बिल्कुल जाएंगे, कोई इतना बुलाए तो हम क्यों ना जाएं। इतना बुलाने के बाद आप पहुंचे और जिस व्यक्ति ने बुलाया है वो व्यक्ति दरवाजे के पास में खड़ा है या बैठा है, और जैसे ही आप पहुंचते हो और वो कहता है किस लिए आए हो, तो गुस्सा आएगा।